Hello everyone, so today we are going to learn about some advanced PLC programming instructions. Advanced PLC programming instructions aapke paas tab use hoti hain jab aapka ladder logic ka program jo hai wo bahut complex hota hai aur aap control jo hai temporarily jo hai wo shift karna chahte hain kisi specific point pe ya kisi specific rungs ka jo hai control aap lena chahte hain ya control shift karna chahte hain, theek hai? तो उस वक्त आप बेसिकली एडवांस प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं पीएलसी की, ठीक है? तो हमारे पास जो एडवांस प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो बेसिकली आपके पास होती हैं जंप लेबल, जंप टू सब रूटीन और रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन एंड स्टार्ट ऑफ सब रूटीन एंड मास्टर कंट्रोल रिले, ठीक है? तो आज हमने जंप टू लेबल एंड लेबल, जंप टू सब रूटीन, रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन एंड स्टार्ट ऑफ सब रूटीन एंड मास्टर कंट्रोल रीसेट, ठीक है? ये हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़नी आज। तो सबसे पहले मैं जो आपको इंस्ट्रक्शन का बताऊंगा वो जंप एंड लेबल के, ठीक है? जंप टू लेबल, तो जब भी आप जंप की इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो उसके साथ लेबल की इंस्ट्रक्शन भी यूज होगी, ठीक है? तो ये बेसिकली दो इंस्ट्रक्शन हैं जो कि आपके कंट्रोल में इजाफा कर देती हैं बेसिकली, ठीक है? वो कैसे, देखें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इनपुट लिया है, यहाँ पे भी एक इनपुट लिया है, ये एक इनपुट लिया और ये एक इनपुट, ठीक है? तो चार स्विचेस मैंने ले लिए और उनके चारों के करस्पोंडिंग कुछ आउटपुट है। लेकिन मैंने किया क्या है कि मैंने यहाँ पे एक जंप इंस्ट्रक्शन यूज कर लिया यहाँ पे, और जंप क्योंकि जब यूज होता है तो उसके साथ ही लेबल यूज होता है, ठीक है? तो लेबल मैंने यहां यूज किया। अब इसका फायदा क्या होगा? बेसिकली जंप क्या करता है आपका कि जंप आपका कंट्रोल को शिफ्ट कर देता है डायरेक्टली लेबल के, ठीक है? क्या कि जब मैं इस ये कंट्रोल, ये जंप एक्टिवेट होगा तो ये कंट्रोल को शिफ्ट कर देगा डायरेक्टली लेबल को, ठीक है? तो जंप और लेबल के बीच में जो भी आपके पास इंस्ट्रक्शन होंगी या जो भी लैडर लॉजिक का प्रोग्राम होगा वो कंप्लीटली इग्नोर्ड हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि जंप डायरेक्टली आपका कंट्रोल शिफ्ट कर देगा लेबल को, और लेबल जिस वाले रंग में होगा वो वाला रंग एक्टिवेट होगा, और उसके जंप और लेबल के बीच में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं या जो भी आपके पास लैडर लॉजिक का प्रोग्राम है वो इग्नोर हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो आपने क्या किया कि टेम्परेरली क्या किया कि अपना कंट्रोल जो है वो शिफ्ट कर लिया। तो देखें ये किस तरह से काम करता है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड टू PLC, एंड फिर मैं इसको गो ऑनलाइन चला जाता हूँ और यहाँ पे रन मोड में चला जाता हूँ। अब देखें, अगर आप सिंपली इस 001 रंग की जो इनपुट है 1 1, इसको मैं अगर ऑन करूँ तो आप देखें इनपुट ऑन हो गई है, और अगर 3 वाली इनपुट को ऑन करूँ तो आपके पास आउटपुट ऑन हो गई है। लेकिन यहाँ पे अभी जंप की इंस्ट्रक्शन एक्टिवेट नहीं हुई। जब जंप की इंस्ट्रक्शन एक्टिवेट हो जाएगी तो ये जो इनपुट है, ठीक है, और ये आउटपुट है, ये इग्नोर्ड हो जाएंगी और कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा डायरेक्टली लेबल को, ठीक है? तो चले अभी ये देखते हैं कैसे होगा कि अब मैं इस इनपुट को अगर ऑन कर दूं, अगर ये इनपुट ऑन करूंगा तो अब जंप एक्टिवेट हो गया। जंप एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि कंट्रोल डायरेक्टली शिफ्ट हो गया है लेबल को, ठीक है? कंट्रोल डायरेक्टली शिफ्ट हो गया है लेबल को। अब अगर मैं इस इनपुट को ऑन करूंगा तो आउटपुट ऑन नहीं होगी, क्योंकि जंप ने कंट्रोल शिफ्ट कर दिया है लेबल को। अब मैं अगर ये ऑन करूंगा तो आप देखें कि आउटपुट ऑन हो गई है, और क्योंकि जंप और लेबल के बीच में एक ही रंग था तो वो इग्नोर्ड हुआ है। ये वाला जो रंग है इनपुट 3 हमारे पास, ये जंप और लेबल के बीच में नहीं है, इसलिए इसकी आउटपुट आएगी, ठीक है? तो अब अगर आप ये देखें, ये वाली जो आपके पास इनपुट है, अगर आप इसको ऑन करें या ऑफ करें आउटपुट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जंप ने कंट्रोल को डायरेक्टली शिफ्ट कर दिया है लेबल को, और लेबल जो है आपका उसके बाद जो इसकी इनपुट होगी वही आउटपुट आगे जाएगी। तो बेसिकली मैं क्या चाह रहा था कि टेम्परेरली मैं क्या करूँ कि मैं जब ये इनपुट ऑन करूँ तो मेरे पास ये वाला जो रंग है ये कम्प्लीटली इग्नोर्ड हो जाए और मेरे पास ये आउटपुट ऑन हो। तो मैंने क्या किया कि जंप इंस्ट्रक्शन यूज की और इस रंग के स्टार्ट पे लेबल कर दिया, तो इसके बीच में जो भी इंस्ट्रक्शन थी
ये जो भी लेटर लॉजिक का प्रोग्राम था वो इग्नोर हो गया। इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही रंग था, इसलिए ये रंग जो है वो इग्नोर हो गया, इसकी आउटपुट आपको नहीं मिलेगी जब तक आपका जंप एक्टिवेट होगा। इन केस अगर मैं जंप को इंस्ट्रक्शन को ऑफ कर देता हूं, तो अब ये कंट्रोल जो था मेरे पास ये खत्म हो गया। ठीक है, पहले मैंने कंट्रोल शिफ्ट कर दिया था लेबल को, लेकिन अब क्योंकि जंप को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, तो अब जो कंट्रोल था वो खत्म हो गया। तो अब अगर मैं इस इनपुट को ऑन करूंगा तो आउटपुट ऑन हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इस इनपुट को ऑन करूंगा तो क्योंकि जंप और लेबल के बीच में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो इग्नोर हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर आप इस इनपुट को ऑन ऑफ करते रहें तो ये इनपुट ऑन ही रहेगी, इसलिए क्योंकि जब जंप एक्टिवेट हुआ था तो उस वक्त ये इनपुट ऑन थी, तो इसने कंट्रोल शिफ्ट कर दिया है लेबल को, तो उसके बीच में जो भी इनपुट है आउटपुट है वो इग्नोर होगी। अब उसको इस इनपुट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब ये ऑन हो चुका है, लेकिन जो जंप था आपका, जंप आपने जब ऑन किया तो उस वक्त ये आउटपुट ऑन थी, तो जब जंप ऑन हो गया तो उसके बाद ये आउटपुट इग्नोर हो जाएगी। ठीक है, इससे यही जो आपका प्रोग्राम है वो फ्लो होगा ही नहीं इस इनपुट में। ठीक है, तो क्योंकि ये आउटपुट पहले से ऑन थी तो ये ऑन ही रहेगी, अगर ये पहले से ऑफ रहती तो ये ऑफ ही रहती, अगर ये पहले से ऑन है तो ये ऑन ही रहेगी, क्योंकि इस रंग में आपका लेटर लॉजिक का प्रोग्राम आएगा नहीं, फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि जंप ने डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट कर दिया है लेबल को और वो रंग टू है, तो रंग वन जो है वो इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से ऑन थी तो ये ऑन ही रही है। इन केस अगर मैं इसको अब ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, तो अब देखें क्योंकि ये इनपुट ऑफ थी तो ये ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास जंप और लेबल की इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जो आपका टेम्परेरली आपका कंट्रोल जो है वो शिफ्ट कर देती हैं लेबल की इंस्ट्रक्शन को, तो उसके बीच में जो भी आपके पास इंस्ट्रक्शन होती हैं वो इग्नोर्ड हो जाती हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अभी हमने जंप टू लेबल की इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, मैंने आपको बताया कि आप जंप टू लेबल की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हुए अपना कंट्रोल जो है वो टेम्परेरली शिफ्ट कर सकते हैं। जब हमने जंप और लेबल की इंस्ट्रक्शन यूज़ की थी तो जब जंप एक्टिवेट होता था तो वो कंट्रोल डायरेक्टली शिफ्ट कर देता था लेबल को, और उसके बीच में जंप और लेबल के बीच में जो भी इंस्ट्रक्शंस होती थी इनपुट आउटपुट की और जो भी लेटर लॉजिक का प्रोग्राम होता था वो कम्प्लीटली इग्नोर्ड हो जाता था और आपका कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली लेबल वाले रंग पे चला जाता था। ठीक है, तो ये तो हमने जंप और लेबल की इंस्ट्रक्शन सीख ली थी। अब हम इस अभी मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो जंप टू सब रूटीन की एक इंस्ट्रक्शन है जो कि हम सीखेंगे। ठीक है, तो जंप टू सब रूटीन मैंने ये यूज़ किया, इसका सिंबल होता है ये इस तरह। ठीक है, तो ये आप चेंज कर सकते हैं, यू कॉलन 3, 4, 5 जो भी आप रखना चाहें। तो ये बेसिकली एड्रेस होता है जंप टू सब रूटीन का, तो मैंने यू कॉलन 3 लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली जंप टू सब रूटीन आप यूज़ उस वक्त करते हैं जब एक इनपुट जो है, फॉर एग्जांपल ये एक इनपुट है, ठीक है, इसके आउटपुट पे मैंने जंप टू सब रूटीन का सिंबल लगाया हुआ है, तो ये उस वक्त आप यूज़ करते हैं जब आपकी इनपुट जो है वो एक आउटपुट ना दे रही हो। आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये इनपुट है तो इस इनपुट के करस्पोंडिंग कोई एक अलग प्रोग्राम है, ठीक है, जो पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद जो है वो यह आउटपुट आई ये वाली। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक इनपुट लेते हैं और उसके आउटपुट पे हम जंप टू सब रूटीन की इंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम जंप टू सब रूटीन की इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो वो डायरेक्टली आपका जब आपकी इनपुट ऑन करेंगे तो ये जो प्रोग्राम आपने जंप टू सब रूटीन के लिए अलग से लिखा हुआ है वो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा और वो वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो है वो इस वाले इस जगह पे रिटर्न होके दोबारा आएगा। ठीक है, कहने का मकसद क्या है, देखें कि ये मेरे पास लैडर लॉजिक 2 ये मैंने बनाई हुई है, इसमें मैंने एक जंप टू सब रूटीन यूज़ की हुई है। अब इसके आगे मैंने ये देखे हैं SBR सब रूटीन 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस इनपुट को ऑन करूँ तो ये वाला जो प्रोग्राम है पूरा, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो चले। ठीक है, और जब ये इनपुट ऑन ना हो तो ये वाला प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, तो मतलब आप ये चाहते हैं कि जब इस इनपुट को ऑन करें तो इस इनपुट के करस्पोंडिंग कोई एक अलग से प्रोग्राम है जो कि आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है,
तो मतलब इस इनपुट के करस्पोंडिंग कोई एक प्रोग्राम है जो कि आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जब ये इनपुट ऑन हो जाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जंप टू सब रूटीन की इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ये इनपुट ऑन होगी तो ये इनपुट जो है वो कंट्रोल जो है शिफ्ट कर देगी सब रूटीन को, और सब रूटीन पे आपने जो भी प्रोग्राम लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और फिर रिटर्न होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक होगी बात यहाँ तक। तो इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करने के लिए बेसिकली आपके पास एक जंप टू सब रूटीन की इंस्ट्रक्शन होती है, फिर एक रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। जब सब रूटीन का वो जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए तो वो दोबारा रिटर्न होके आए, ठीक है। एंड ये होती है स्टार्ट ऑफ सब रूटीन, कि सब रूटीन को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अभी ये जब मैं इसको ऑनलाइन जाऊंगा और इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। स्टार्ट ऑफ सब रूटीन, रिटर्न और जंप टू सब रूटीन, इन तीनों का एड्रेस सेम होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैंने यू कॉलन थ्री लिया है, ठीक है, तो मस्ट है कि रिटर्न का और सब रूटीन का, स्टार्ट ऑफ सब रूटीन का भी एड्रेस यू कॉलन थ्री ही होना चाहिए, ठीक है। तो चले मैं अभी इसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड टू पीएलसी और गो ऑनलाइन। तो अब देखिए यहाँ पे इसको रन मोड में चले जाते हैं, ये रन कर लिया। अब जब मैं इस इनपुट को ऑन करूँगा तो ऑब्वियसली ये इनपुट जो है वो डायरेक्टली इस आउटपुट के साथ एसोसिएट है, तो ये आउटपुट जो है ऑन हो जाएगी। इस इनपुट को अगर मैं ऑन करता हूँ, टू इनपुट को, पोर्ट वन की इनपुट टू को अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये आउटपुट ऑन हो जाएगी, और अगर मैं इस सी वन पोर्ट की थर्ड नंबर इनपुट को ऑन करता हूँ तो ये आउटपुट ऑन हो जाएगी। लेकिन जब मैं इस पोर्ट की पहली इनपुट को ऑन करूँगा, फर्स्ट इनपुट को, तो ये प्रोग्राम जो है ये जंप कर जाएगा सब रूटीन पे, और सब रूटीन पे जो भी प्रोग्राम लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि ये सब रूटीन है मेरे पास। अगर मैं इस वक्त यहाँ पे मैंने एक इनपुट ली हुई है जो कि पोर्ट वन की फोर्थ इनपुट है, अगर इसको मैं ऑन करूंगा तो आउटपुट ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इनपुट तब काम करेगी जब आपकी सब रूटीन ऑन होगी, वहां से जब आप जंप टू सब रूटीन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, सिंपल एक ये इनपुट है, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, देखें ये मैंने इनपुट ऑन की तो आउटपुट ऑन नहीं हुई। आउटपुट ऑन इसलिए नहीं हुई क्योंकि जंप टू सब रूटीन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, ये प्रोग्राम अभी जंप से सब रूटीन की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, देखिए ये मेरे पास वो इनपुट थी जो कि इस इनपुट को जंप करवा रही थी सब रूटीन पे, ठीक है। तो अगर मैं इस इनपुट को अब ऑन करता हूँ, ये देखें, ये जैसे ही मैं इनपुट ऑन करूंगा तो ये इनपुट शिफ्ट, इस ये इनपुट शिफ्ट हो गई है कहाँ पे, सब रूटीन पे। तो अब जो सब रूटीन पे प्रोग्राम पड़ा हुआ है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर दोबारा रिटर्न होके इस सब रूटीन पे आएगा, ठीक है। तो अब हम दोबारा यहाँ पे जाते हैं, ये देखें ये इनपुट मैंने ऑन की हुई थी, और लेकिन अब जब जैसे ही मैंने इस इनपुट को ऑन किया तो जंप टू सब रूटीन की इंस्ट्रक्शन ऑन हो गई और आपके पास करस्पोंडिंग जो भी आउटपुट था वो ऑन हो गया। अच्छा, और ये आपके पास क्या है, ये है स्टार्ट ऑफ सब रूटीन जो मैंने आपको अभी दिखाया था, कि एक स्टार्ट ऑफ सब रूटीन है, एक जंप टू सब रूटीन है और एक रिटर्न है। तो ये वो रिटर्न है और ये वो स्टार्ट ऑफ सब रूटीन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो नया प्रोग्राम लिखा था इसमें, उसमें पहले मैंने बताया कि यहाँ से सब रूटीन स्टार्ट करनी है और यहाँ से रिटर्न करनी है। जब ये प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये जो भी इंस्ट्रक्शन है ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगी, कहाँ पे, आपके दोबारा रिटर्न होके यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इन केस अगर मैं इस इनपुट को अब ऑफ कर देता हूँ तो ठीक है, अब मैंने इस इनपुट को ऑफ कर दिया तो आपका जो है ये वाली इनपुट जो है, देखें कि ये ऑन ही है, इसलिए क्योंकि अब मैं अगर इस इनपुट को ऑफ भी कर दूं तब भी ये इनपुट ऑन ही रहेगी, इसलिए क्योंकि जब आपने इस इनपुट को ऑन ऑफ किया था तो उस वक्त जो है ये आउटपुट ऑन थी, ठीक है। तो अब क्योंकि प्रोग्राम जो है आपका, अब क्योंकि आपका प्रोग्राम जंप टू सब रूटीन पे गया ही नहीं, ठीक है, जब आप इस इनपुट को ऑन करेंगे तभी आपका जो है वो ये शिफ्ट करेगा सब रूटीन पे, क्योंकि अब ये सब रूटीन पे शिफ्ट ही नहीं किया,
क्योंकि आपने इस इनपुट को ऑफ कर दिया, तो जो आपके पास आउटपुट थी वही रहेगी, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है वो सब रूटीन पे शिफ्ट नहीं किया। जंप टू सब रूटीन से तभी होगा जब आप इस इंस्ट्रक्शन को ऑन करेंगे, इस इनपुट को ऑन करेंगे। तो अगर मैं देखें इस इनपुट को ऑन करता हूँ, तो अब जो है आपका कंट्रोल या आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो शिफ्ट कर गई है सब रूटीन पे। तो अब क्योंकि सब रूटीन पे शिफ्ट कर गई है, तो अब आपकी ये इनपुट ऑफ थी, तो आपका जो अब मैं अगर इस इनपुट को ऑन करूंगा तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग आउटपुट तब ऑन होगी, क्योंकि अब ये प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट हुआ है सब रूटीन पे। ठीक है, तो जब आप इस इनपुट को ऑन किया तो अब आपका ये डायरेक्टली सब रूटीन पे शिफ्ट हुआ है, और ये वाला प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है और ये रिटर्न होके दोबारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक होगी बात। तो बेसिकली आपका जंप टू सब रूटीन उस वक्त यूज होता है जब आपके पास सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो और उस सिस्टम को आप कॉम्पैक्ट बनाना चाहते हैं, तो आप किसी एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक पूरा प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 4 लेटर लॉजिक प्रोग्राम है, तो बजाय कि मैं उसको इतना लंबा करके लिखूंगा, तो मैं हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक जंप टू सब रूटीन लगाऊंगा, और उस सब रूटीन पे जाके उस इनपुट का जो भी मेरे पास प्रोग्राम है वो लिख दूंगा, और ये जो मेरे पास इनपुट है इसके भी करस्पॉन्डिंग आप एक सब रूटीन यूज कर सकते हैं, और उस सब रूटीन में आप इस इनपुट के लिए अलग से कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपका ये सिस्टम जो है ये कंट्रोल आपको बढ़ा देगा आपके सिस्टम का। ठीक है, तो आप सिर्फ एक इनपुट को कंट्रोल करते हुए एक पूरा प्रोग्राम कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जंप टू सब रूटीन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने जंप टू लेबल की इंस्ट्रक्शन सीख ली है, उसके बाद हमने जंप टू सब रूटीन की इंस्ट्रक्शन सीखी, और उससे एसोसिएटेड स्टार्ट ऑफ सब रूटीन एंड रिटर्न की इंस्ट्रक्शन भी सीख ली है। तो फाइनली अब हम एक लास्ट इंस्ट्रक्शन सीखेंगे, जिसे MCR यानी कि मास्टर कंट्रोल रीसेट कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने 4 रंग्स लिए हैं। ठीक है, और हर एक के करस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट है, लेकिन मैंने क्या किया है कि जो रंग 2 है उस पे मैंने यहाँ पे एक MCR यूज़ कर लिया, मास्टर कंट्रोल रीसेट, और यहाँ पे भी एक मैंने मास्टर कंट्रोल रीसेट यूज़ किया हुआ है। तो होता क्या है बेसिकली कि चलें हम ऐसा करते हैं कि इसको डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करके मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो तभी आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, तो हम इसको गो ऑनलाइन चले जाते हैं और यहाँ पे रन कर लेते हैं। देखें सबसे पहले मेरे पास इनपुट है 0, ये मैंने इनपुट ऑन की तो आउटपुट ऑन हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इस जो पोर्ट 1 की सेकंड इनपुट है इसको ऑन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आउटपुट ऑन नहीं हुई। अब मैं अगर पोर्ट 1 की थर्ड इनपुट को ऑन करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि आउटपुट ऑन नहीं हुई। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इस इनपुट को ऑन करूंगा, ये वाली जो मास्टर कंट्रोल रीसेट वाली इनपुट है इसको ऑन करूंगा, तो ये बाकी जो इनपुट्स हैं ये भी ऑन हो जाएंगी, और ये MCR भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो बेसिकली मास्टर कंट्रोल रीसेट क्या करता है कि आपका यहाँ से देखें ये मास्टर कंट्रोल रीसेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसके बीच में जो भी रंग हैं वो ये MCR कंट्रोल करेगा बेसिकली। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ कि जब इस रंग में मैंने MCR लगा दिया और एंड वाले रंग में भी MCR लगा दिया, तो इसके बीच में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस इनपुट से एसोसिएट हो गई हैं। ठीक है, या इस MCR से एसोसिएट हो गई हैं। ठीक है, जब तक ये इनपुट ऑन नहीं होगी तब तक ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये काम नहीं करेंगी। अब अगर आप इस इनपुट को ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी, अगर ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगी, लेकिन अगर आपने इस मास्टर कंट्रोल रीसेट को आपने ऑफ कर दिया, तो आपका इन इनपुट से या इन रंग से जो MCR के बीच में है आप उनसे कंट्रोल खो देंगे। अब अगर मैं इस इनपुट को ऑफ करता हूँ तब भी आउटपुट ऑफ है, अगर मैं इन इनपुट्स को ऑन करता हूँ तब भी आउटपुट ऑफ ही है, लेकिन अगर मैं इस इनपुट को ऑन कर दूँ जो कि एसोसिएटेड है MCR से, मास्टर कंट्रोल रीसेट से, तो मेरा कंट्रोल वापस आ जाएगा और मैं इन रंग्स को छेड़ सकता हूँ, इनको एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो आप देखें जैसे ही मैंने इस इनपुट को ऑन किया, तो ये जो आपके पास 2 आउटपुट्स हैं इन इनपुट
के ऑन होने की वजह से ये आउटपुट ऑन हो गई है, और ये MCR एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। तो बेसिकली मास्टर कंट्रोल रीसेट आपके पास आपको ये कंट्रोल फ्राम करता है कि जब भी आप इसको यूज़ करते हैं तो उसके बीच में जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो तभी ऑन या ऑफ की जा सकती हैं जब तक वो MCR वाली इनपुट जो है वो ऑन की जाए। अगर आपने वो ऑन नहीं की तो आप MCR के बीच में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये आपको कंट्रोल देता है टेम्परेरली ही समझ लें कि आपको टेम्परेरली आपका कंट्रोल शिफ्ट कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सी इंस्ट्रक्शंस हैं और आप उनको यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप जो है MCR को ऑफ कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ इस वक्त इन्हीं इनपुट्स को यूज़ करना चाहता हूँ तो आप MCR को ऑन कर देंगे, तो उसके अंदर जो भी आपके पास इनपुट्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कुछ आपके पास इनपुट आउटपुट्स हैं या कुछ एक लैडर लॉजिक प्रोग्राम है जो कि आपको यूज़ नहीं करना, फॉर द टाइम बींग आप चाहते हैं कि ये मुझे यूज़ नहीं करना, तो आप उसके स्टार्ट पे और एंड पे मास्टर कंट्रोल रीसेट लगा देंगे। तो वो बेसिकली क्या करेगा कि आपके उन सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को या उन उस सारे प्रोग्राम को रीसेट कर देगा। वो आपके पास क्या होगा कि वो सारे का सारा प्रोग्राम आप यूज़ नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपका MCR एक्टिवेटेड है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देख लें कि अगर मैं इस इनपुट को ऑफ कर दूँ तो ये मेरी दो इनपुट्स या दो रंग्स मेरे किसी काम के नहीं है क्योंकि मैं चाहे इनको ऑन करूँ या ऑफ करूँ आउटपुट पे कोई भी असर नहीं होगा। तो इस तरह आप मास्टर कंट्रोल रीसेट आप जो है वो बना सकते हैं अपने किसी प्रोग्राम में जो आपको यूज़ करना है या उसको यूज़ नहीं करना, डिपेंड कि आपका सिस्टम क्या है और स्नैरियो क्या है। तो बेसिकली MCR इसलिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जंप टू लेबल और जंप टू सब रूटीन और इसी तरह मास्टर कंट्रोल रिलीज, ठीक है। तो ये हमने आज सीखी है, होपफुली आप लोगों ने इसको समझा होगा। एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।